अरे बाकी सब तो ठीक है, पर इंदिरा गांधी को ज्यादा ही जवान नहीं दिखा दिया इस टीजर में? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली बहुत टाइम पहले अनाउंस हुई विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर का ऑफिशियल टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस टीजर को देखने के बाद मैं विकी कौशल को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब आज मुझे पता चल गया कि कटरीना भाभी आपके प्यार में पड़ी। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा उनको मिला नहीं होगा। इनडायरेक्टली टीजिंग सलमान भाई। तो दोस्तों जैसे कि आपको इस टीजर को देख के पता चली गया होगा कि विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानुक्शो की लाइफ पे बनाई जाएगी। और दोस्तों ये मुझे आज पता चला, क्योंकि दोस्तों जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तब मुझे लग रहा था कि ये मूवी 1971 की इंडो पाक वॉर पे बनाई जाएगी, जिसमें सैम मानुक्शो के करेक्टर को मेन करके दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो उल्टा हो गया, ये मूवी सैम मानुक्शो की लाइफ को दिखाएगी जिसमें इंडो पाक वॉर को एक इंस्टेंस करके दिखाया जाएगा। और दोस्तों मैं तो तारीफ करना चाहूंगा उस बंदे की जिसने इस मूवी के टीजर को काटा है। भाई साहब क्या काटा है, क्या काटा है, ऐसे कोई काटता है क्या यार? और दोस्तों ऊपर से विकी कौशल की एक्टिंग, भाई साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बंदे के चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, आंखों से देखने का स्टाइल, एकदम बंदा खा ही गया यार। ऐसे लग रहा था कि साक्षात सामने सैम मानेकशॉ खड़े हो। और दोस्तों इस बार विकी कौशल कर भी अपने लकी बैनर के साथ काम कर रहा है, RSVP के साथ, जिसके साथ विकी कौशल ने उरी में काम किया था। और दोस्तों इस मूवी की डायरेक्टर भी एकदम सुपर टैलेंटेड है, मेघना गुलजार, जिसने राजी जैसी एकदम सुपर हिट मूवी बनाई हुई है। और दोस्तों ये मूवी के मेकर सारे बढ़िया करते हैं, लेकिन मूवी की रिलीज डेट रखते वक्त गुड़ गोबर। लेकिन दोस्तों इस बार गलती सैम बहादुर की नहीं है, क्योंकि ये अपनी रिलीज डेट तो 10 महीने पहले ही रख चुके थे। लेकिन दोस्तों इस डेट पर एक और मूवी आके खड़ी हो चुकी है, और दोस्तों वो इतनी खतरनाक मूवी है ना कि अच्छी अच्छी मूवीज को खा जाएगी। और दोस्तों वो मूवी है रणबीर कपूर की एनिमल। क्योंकि दोस्तों एनिमल का जिस तरीके का कंटेंट है ना, तो लोग सैम बहादुर से ज्यादा एनिमल को देखना प्रेफर करेंगे, इसलिए दोस्तों सैम बहादुर को कहीं ना कहीं धक्का झेलना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग आगे ज्ञान पे लेंगे कि यार गदर 2 के साथ OMG 2 भी तो रिलीज हुई थी, और देख मूवी चली थी। मैं मानता हूं OMG 2 चली थी गदर 2 के साथ, लेकिन दोस्तों अगर OMG 2 सोलो रिलीज हुई होती तो भाई साहब जो वो चलती गदर 2 के साथ वो नहीं चल पाई। इसलिए दोस्तों सैम बहादुर का भी हाल कहीं ना कहीं वो ना हो जाए एनिमल के साथ, क्योंकि दोस्तों एनिमल का कंटेंट मास है, वायलेंट वाला है, भाई साहब धूम धड़के वाला है। इसलिए दोस्तों आज की ऑडियंस को भी वैसा ही कंटेंट देखना पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों मूवीज में से एक को अपनी रिलीज डेट चेंज करनी ही पड़ेगी। और मुझे विकी कौशल के टैलेंट पे कोई भाई साहब डाउट नहीं है, मुझे पता है कि यार ये मूवी एकदम 1-on-1 बेस्ट होने वाली कंटेंट के मामले में। लेकिन दोस्तों आजकल ट्रेंड का जमाना है, जो चीज ट्रेंड में है भाई साहब लोगों की रीच में है, लोग वही देखना चाहते हैं। और दोस्तों इस मूवी में आपको विकी कौशल के साथ साथ भाई साहब आमिर खान की दो बेटियां भी देखने को मिलेंगी। नहीं समझे, आगे ऑन स्क्रीन बेटियां दंगल वाली, फातिमा सना शेख जो कि इंदिरा गांधी के करेक्टर में, जो काफी यंग लग रही थी, एकदम बढ़िया लग रही थी, और दूसरी हमारी सानिया मल्होत्रा। और दोस्तों इस मूवी को कहीं ना कहीं लोग मेघना गुलजार की वजह से भी देखने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राजी जैसी सिंपल स्टोरी में उसने जिस तरीके के इमोशन डाल दिए थे ना, लोगों को अपने साथ बांध दिया था। और दोस्तों मुझे पता है सैम बहादुर मूवी में भी मेघना गुलजार ने भाई साहब ऐसे इमोशंस डाले होंगे ना कि आखिर में बंदा रोएगा ही रोएगा। अब कैसे रहेगा वो तो मूवी देख के पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मूवी का BGM भी एकदम कमाल का ही लग रहा है, भाई साहब टीजर में इतना कमाल का BGM सुनने को मिल गया, मूवी में तो क्या ही लेवल का होगा। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये सैम बहादुर मूवी एकदम टॉप नॉच मूवी होने वाली है। बस मुझे डर तो सिर्फ इसी बात का है कि एनिमल का जानवर इसको कच्चा ना चबा जाए, भगवान देख लेना। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ज्ञान पीलो वीडियो सैम बहादुर के इस टीजर पर, एंड आई होप आपको मेरा छोटा सा ज्ञान पीलो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।